बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू डी एम अकेडमी। मैं हूँ दानिश रियाज़ और आज जो है मैं आप लोगों के लिए फोटो मैथ की जो तीसरी वीडियो है वो मैं बना रहा हूँ। इसमें इससे पहले क्वालिफिकेशन प्रोसेस जो है वो आप लोगों को सॉल्व करने तरीके से सॉल्व करना है और क्लियर कर लिया था और उसको तरीका सॉल्व करना है वगैरह सॉल्व किए थे मैंने MCQs। इसके बाद सेकेंड वीडियो मैंने बनाई थी टीचिंग स्किल के ऊपर। टीचिंग स्किल्स के ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था किस तरीके से जो है वो टीचिंग स्किल का टेस्ट जो है वो पास करना है। उसके अब जो ये तीसरी वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हो गई है, आपने ट्रेनिंग करने के बाद जो क्विज लेने हैं वो क्विज किस तरीके से पास करने और ट्रेनिंग का जो है वो प्रोसीजर क्या होगा, उसको आपने किस तरीके से सॉल्व करना होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के मेन कॉन्टेंट पे आने से पहले थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ कि एक तो ये कि इस तरीके से अगर किसी कोई बात बुरी लगे तो उसके लिए पहले से माजरत। पहला ये कि अगर आप कोई इंटरटेनिंग वीडियो देखते हैं उसको तो बड़ी मजे से हम लोग क्या करते हैं, लाइक भी कर देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देते हैं आसानी के साथ। लेकिन कोई एजुकेशनल वीडियो देखते हैं तो हम पता नहीं क्यों हमारे कौन सी कंजूसी होती है कि हम चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते और वीडियोज को लाइक भी नहीं करते। तो ये छोटा सा मैसेज था कि अगर आपको कोई एजुकेशनल वीडियो भी पसंद आया या आपको उससे कोई फायदा हो रहा हो तो उसको भी जो है ना वो आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, इससे अगले का भी फायदा हो जाता है। चलिए अब आता हूँ मेन कंटेंट के ऊपर। मेन कंटेंट जो है आपने थर्ड जो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी जिसमें स्टार्टेड कर दिया। अब देखें जरा ये पहला जो आपको टेस्ट जो आपकी ट्रेनिंग होगी उसको जो कोर्स का नाम होगा वो होगा जेनेरिक कोर्स। जेनेरिक कोर्स के नाम से पूरा कोर्स होगा। उसके बाद जेनेरिक कोर्स में जो है वो दो पार्ट होते हैं। दोबारा बता दूं, जेनेरिक कोर्स के अंदर दो होंगे, दो क्विज होते हैं। पार्ट वन में जो होगा वो क्वालिटी सोल, मतलब ये आपके पास लिखा है फोटोमैथ सोल्यूशन क्वालिटीज, इसके ऊपर जो है आपका क्विज तैयार किया जाता है। फोटोमैथ सोल्यूशन क्वालिटीज के जो ऊपर ये होते हैं, इसके जो 11 पार्ट होते हैं उसी में से क्विज तैयार होता है, वो आपको क्लियर करना होता है। सेकंड जो है आपका जो आता है वो होता है फोटोमैथ गाइडलाइंस के ऊपर। ये देखिए पहला क्विज यहाँ पे जो था वो सोल्यूशन PM रूल्स के था, जो मैंने आपको बताया कि 11 या 12 होता है, उसमें जो है मैंने क्लियर कर लिया था। तो उसके बाद ही जो है वो मेरा अगला पार्ट खुला था, उसके अंदर जो फिर ये देखें PM सोल्यूशन गाइडलाइंस, इसके हिसाब से जो है वो सेकंड क्विज बनता है। मतलब फोटो जो कोर्स वन है जेनेरिक कोर्स, ये आप ट्रेनिंग लेते हैं, इस ट्रेनिंग के अंदर जो है वो जो है दो पार्ट दो क्विज होते हैं। पहला जो है PM सोल्यूशन रूल के हिसाब से क्विज होता है, सेकंड क्विज जो होता है वो PM जो है सोल्यूशन गाइडलाइन के हिसाब से होता है। ये देखें यहाँ पे जो आया हुआ है PM सोल्यूशन गाइडलाइंस, ये दोनों टेस्ट ही मैंने क्लियर कर लिए हैं। और इस वीडियो के साथ जो मैं वो अटैच करूंगा वो मैं पहले वाले जो है वो क्विज अटैच करने वाला हूँ। इंशाल्लाह जो सेकंड वीडियो होगी वो आपकी जो मैं लाऊंगा वो PM सॉल्यूशन गाइडलाइन का जो क्विज मैंने किस तरीके से पास किया जो इसके MCQs से, वो जो है मैं आप लोगों को बकायदा दिखाऊंगा कि मैंने किस तरीके से सॉल्व किए। फिलहाल जो है जो मैं वीडियो अटैच करने वाला हूँ वो मैं ऐड करूंगा ये PM सॉल्यूशन रूल्स के ऊपर, जिसका जो फोटोमैथ सॉल्यूशन रूल्स का जो क्विज है ये किस तरीके से आया और किस तरीके से पास करना होता है। आता है इस तरीके से कि आपके पास अलग अलग जो है वो रूल्स पहले आपको सिखाए जाते हैं, जैसे मैथ का रूल है, क्लियर एक्सप्लेनेशन है। अगर जो है वो आप इस जो रूल्स को सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से रूल्स हैं, किस तरीके से एक्सप्लेनेशन आई है, तो इसके लिए मैं हर टॉपिक के ऊपर अलग अलग वीडियो बना दूंगा। फॉर एग्जांपल मैथ के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, क्लियर एक्सप्लेनेशन के ऊपर वीडियो बना दूंगा, कंप्लीट सॉल्यूशन के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, इन सारे रूल्स के ऊपर एक जो है वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से आपको MCQs जो है वो क्लियर करना है। फिलहाल जो इस वीडियो के अंदर मैं अब डालने लगा हूँ वो मैं PM सॉल्यूशन जो है वो रूल्स के जो क्विज था मैंने पास किया था, ये वाला PM सॉल्यूशन रूल्स ये जो है वो मैं आप लोगों के लिए डालूंगा। चले मैं आप लोग आता हूँ डेक PM सॉल्यूशन रूल्स के ऊपर। चलें जी अब जो है ये क्विज जो है वो स्टार्ट करने लगा हूँ। इस क्विज के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। व्हेन राइटिंग सॉल्विंग प्रोसीजर प्रोनाउन आई वी और यू मस्ट बी अवॉइडेड, बिल्कुल ऐसा ही है आपको ये अवॉइड करना, तो ये ट्रू मैं कर रहा हूँ, ये ट्रू है बिल्कुल, आपको जो है वो अवॉइड करने होते हैं। जब भी आप सेंटेंस लिखेंगे तो आई वी यू ये नहीं होता। अब ये देखें इसमें क्या कह रहे हैं, फॉर विच ऑफ द सिचुएशन डू कलर्स हैव टू बी यूज्ड, हम कलर जो है वो किस लिए यूज करते हैं। देखें अब जब इनपुट डिस्क्रिप्शन आउटपुट होता है इसलिए आप कलर यूज करते हैं, और जब आप मतलब इनपुट डिस्क्रिप्शन आउट हो रहा है यही होता है कि आप इनपुट डिस्क्रिप्शन आउटपुट में कलर लाजमी यूज करते हैं। सेकंड देख लेते हैं अब थर्ड वाला, चूज ऑल अप्रोप्रिएट एंडिंग्स ऑफ द सेंटेंस इफ अ स्टेप कंटेंस विजुअल कंटेंट। देखें विजुअल कंटेंस आप क्या होता है, तो इसका सही आंसर क्या होता है, तो विजुअल कंटेंट के साथ आपको क्या डालना होता है, ये एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट लेटेक्स भी लाजमी होता है, फर्स्ट वाला ए पार्ट जो है ये लाजमी होता है। अगर जो आपके सॉल्यूशन रूल्स हैं वो आप पढ़ लेंगे तो आपको उसमें ये बकायदा लिखा हुआ था कि इट मस्ट आल्सो कंटेंस कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सप्लेन, और इसमें जो है वो प्रॉपर यूज ऑफ कलर भी लाजमी होता है। तो ये ए और ये डी है इसका सॉल्यूशन है कि मस्ट बी ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू प्रॉपर यूज ऑफ कलर, कलर भी हमें लाजमी तौर पर सही वाला यूज करने होते हैं जब हम विजुअल कंटेंट इस्तेमाल करते हैं। अब देखें फोर के अंदर ये आपके पास हमारे पास जो है वो
इक्वल्स टू 4 16 है और आर इक्वल्स टू 2 है, तो इसके अंदर जो है वो पूछने के कौन सा सॉल्यूशन रूल ब्रेक हुआ है, तो इसमें जरा ढूंढना पड़ेगा मुझे इसमें जो है वो सॉल्यूशन रूल जो है कौन सा ब्रेक हुआ ये ढूंढना है। इसमें जो लग रहा है मुझे वो स्टेप फॉर्म और लैंग्वेज का इशू थोड़ा सा लग रहा है, और क्योंकि देयर फॉर इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो यूज नहीं करने होते, तो स्टेप फॉर्म जो है मैं किस पे कर रहा हूँ, और स्टेप फॉर्म ही तकरीबन मुझे लग रहा है क्योंकि लैंग्वेज तो ठीक ही है, बाकी स्टेप फॉर्म की जो है वो मिस्टेक हुई है कि प्रॉपर यूज नहीं हुआ स्टेप फॉर्म। और एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ फिर भी देयर फॉर द वैल्यू ऑफ द टी। जी स्टेप फॉर्म का ही लग रहा है मुझे, स्टेप फॉर्म ही इसका आंसर है, और स्टेप फॉर्म के अलावा जो लैंग्वेज लेटेक्स वगैरह तो इशू नहीं है इसमें, बिल्कुल लेटेक्स भी सही यूज़ हुआ, सब बाकी चीज़ें सही ही यूज़ हुई हैं, एक्सप्लेनेशन भी क्लियर ही है, तो मैं अब अगला चला रहा हूँ, स्टेप फॉर्म ही लग रहा था मुझे। इसमें देखें ये कह रहे हैं फिर से आपको कौन सा सोल्यूशन रूल ब्रेक हुआ जाता है, सोल्यूशन रूल से ही एम सी क्यूज पूछे जाते हैं। अब देखें कलर, देखें ए है एक जगह फोर है, ये कलर कोऑर्डिनेशन सही नहीं है, कलर अगर देखिए ए या अगर ब्लू था तो इसको भी ब्लू होना चाहिए था, तो मैं ए इसका कलर कोऑर्डिनेशन सही नहीं है, बाकी मैथ्स वगैरह तो ठीक यूज की है, स्टेप फॉर्म भी ठीक है क्योंकि बकायदा एक्सप्लेनेशन दिए कि सब्सटीट्यूट करें इक्वल टू 4 सी इक्वल टू 3 एंड डी इक्वल टू 5, तो ए बाकी स्टेप फॉर्म भी ठीक है, मैथ भी ठीक है, तो बाकी तो ठीक ही है, मैं कलर कोऑर्डिनेशन जो है इसका कर रहा हूँ और बाकी तो ठीक ही लग रहा है मुझे। मैथ का थोड़ा मुझे लग रहा था लेकिन मैथ बिल्कुल ठीक ही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अब देखें इस एमसीक्यूज में क्या कह रहे हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन मस्ट बी अप्रोप्रिएट फॉर द एज एंड प्रीवियस अकाउंट नॉलेज, ये जो आपको स्टेटमेंट दी जाती है बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट जब आप रूल्स पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है। आप सेवन देख लेते हैं, अब इसमें भी ये भी रूल जो पढ़े होंगे, जो स्टेटमेंट आपको दी जाती है क्वालिटी रूल्स के अंदर उसी में होती है। अब देखें विच ऑफ द स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन रूल्स, अब ये सॉल्यूशन रूल में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि आपको क्लियरली एक्सप्लेन करना जरूरी है, जितने भी थ्योरम वगैरह अगर कोई यूज करते हैं डेफिनेशन यूज करते हैं, और कौन सी इसमें डेफिनेशन सही है, डी भी नहीं है, सी लग रहा मुझे कि अगर आप कोई वेरिफिकेशन मांग रहा है पॉज कर, तो आपको विजुअल कंटेंट ग्राफ एक्सप्लेनेशन प्रूफ देना पड़ेगा सॉल्यूशन स्टेप के अंदर, ठीक है ए और सी इसका आंसर लग रहा है क्योंकि जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ी थी उसमें ये ए और सी था, बी का इतना नहीं है, ए और सी का ज्यादा है, तो वही नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं, अब ए और सी कंफर्म कर दिया मैंने। अब देखें एट हो गया, एट के अंदर क्या कह रहे हैं, द फॉलोइंग इमेजेस शो वन स्टेप इन इंफॉर्मेशन व्हिच वन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू क्लियर एक्सप्लेनेशन रूल। एक्सप्लेनेशन रूल क्या होती है कि आपको जितनी भी आपकी बातें हैं वो क्लियर होनी चाहिए, कोई जो है वो बीच में आपने ऐसी नहीं हो, स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए, सब एक्सप्लेनेशन बिल्कुल क्लियर तरीके से होता है, अगले वो क्लियर हो गया। आप ये देखिए डेफिनेशन दे दिया, सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस वाई, सब्सटीट्यूट करें सी की वैल्यू, कलर देखें कलर ठीक है, पहले तो मैंने देख लिया कलर भी ठीक है सब जगह, कलर का तो कोई इशू नहीं है, तो ये थोड़ा बेहतर लग रहा था मुझे। क्लियर एक्सप्लेनेशन उसके हिसाब से जो है वो ए ही लग रहा मुझे, इसमें मुझे इतना बाकी इतना नहीं लग रहा मुझे सही, बी का भी थोड़ा लग रहा है क्योंकि इसमें उन्होंने हिंट यूज की हुई है कि आप हिंट यूज कर सकते हैं। तो मैं एंगल्स भी आप लेते हैं लेकिन एक क्लियर एक्सप्लेनेशन के हिसाब से ये लग रहा है कि सी ए तो है इसका कंफर्म। तो आप देखें नाइन कम्युनिटी मल्टीपल क्वेश्चन और सॉल्यूशन, तो ये ऑल ऑफ देम सही है क्योंकि सब जैसे आपको आंसर देना ही है। अब देखें जरा आप टेन, टेन के अंदर क्या है, The following image show one step in equalization which form the following is rule. इसमें जो है ये वाला ठीक लग रही है स्टेटमेंट क्योंकि इसमें आई वी कुछ भी यूज नहीं हुआ, क्योंकि आई वी हम नहीं डाल सकते इसमें, तो इंग्लिश ही नहीं लिखी हुई, रूल सिंपल स्टेटमेंट नहीं हो सकती, पूरी आप स्टेटमेंट डालनी होती है आपको, तो ए ही इसका सही आंसर है। सबमिट कर रहा हूँ, सबमिट करते हैं देखते क्या आंसर निकलता है। चले जी रिजल्ट पास हो गया मेरा ये वाला भी,
हाल दो मैंने थोड़े से गड़बड़ किए जल्दबाजी में और साथ में रहा है, लेकिन फिर भी क्लियर हो गया है बहुत जल्दी। फोटोमैथ के ट्रेनिंग टेस्ट का पहला पार्ट था, मतलब जीनियरिंग कोर्स का पहला पार्ट था, वो ट्रेनिंग जो मैंने स्टार्ट की थी वो मैंने पास कर लिया, कुछ सक्सेसफुली कम्प्लीटेड ये देखें लिखा हुआ आ गया। अब जो है वो मेरा अगला पार्ट भी खुल चुका है, ये पीएम सॉल्यूशन गाइडलाइंस है। इसके अंदर भी आपको पहले रीडिंग कर लेनी होगी, रीडिंग करने के बाद अच्छे से पढ़ के आप टेस्ट करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। मेरा भी टेस्ट क्लियर हो गया ये पीएम सॉल्यूशन रूल्स। चले ये वीडियो तो होगी कंप्लीट। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर जो मैं आप लोगों को पीएम सॉल्यूशन गाइडलाइंस का जो मैंने टेस्ट पास किया वो एमसीक्यूस वो दिखा दूंगा कि मैंने किस तरीके से पास किया है। इंशाल्लाह उसकी अगली वीडियोस के अंदर जो है मैं आप लोगों को पकड़ा ये रूल्स समझा दूंगा, ये रूल्स हैं क्या और इसका मतलब क्या है, इनका क्या है इंपॉर्टेंस क्या है इनकी फोटोमैथ के अंदर, जिसके बगैर ये फोटोमैथ चलता नहीं है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं जो है वो जो ट्रेनिंग टेस्ट जो मेरा चल रहा है इसके अंदर जो है वो गाइडलाइंस का जो है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह मैं अगर तुम्हें उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी इस वीडियो से फायदा होगा और आप लोग जो अगर जो पास करना चाहते हैं और अर्निंग करना चाहते हैं ऑनलाइन उनको इससे फायदा हो सकेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाजमी लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, बगैर देखे चले ना जाया करें। चले मिलेंगे अगली।